हाय गाइस, हाउ आर यू। मैं सुल्तान अली एक बार फिर हाजिर हूँ आपकी 11th क्लास बायोलॉजी में। तो देखिए, यहाँ पर बायो में आज का जो टॉपिक है वो है, दो टॉपिक है, नंबर एक वायरोइड, दूसरा है लाइकेन। तो वायरोइड के बारे में बात चलते हैं। सबसे पहले वायरोइड क्या होते हैं, वायरोइड या वायराइड बोलते हैं इसको, ठीक है भाई, वायराइड या वायरोइड भी कह देते हैं। तो ये इसकी खोज जो की थी वो टी और डाइनर नामक एक वैज्ञानिक थे, ठीक है, ये वैज्ञानिक है टी और डाइनर। तो इन वैज्ञानिकों ने ये इसकी खोज की थी, इसकी वायरोइड की। इन्होंने देखा कि ये एक संक्रामक कण है, कैसे वायरस से भी बहुत बारीक, बहुत सूक्ष्म, वायरस से भी बहुत छोटे कण होते हैं। और जिस वायरस, इन्होंने ये भी पता लगाया कि वायरस के अंदर क्या होता है, जैसे वायरस के अंदर ये खोल होता है, काय का ये प्रोटीन का खोल होता है, ठीक है भाई। और अंदर क्या होता है, आरएनए या डीएनए होता है, या अनुवांशिक पदार्थ होता है, आरएनए या डीएनए होता है। लेकिन इन्होंने क्या देखा कि इन्होंने ऐसे कण देखे जो क्या होते हैं, केवल इन पर ना तो कोई प्रोटीन का आवरण होता है, ठीक है, किस पर, इस पर वायराइड पर, वो केवल क्या होते हैं, कण होते हैं, क्या होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं, कण होते हैं उनके, ठीक है, ये कण होते हैं, काय के कण होते हैं, आरएनए के कण, क्या कहा, आरएनए के कण, ओके। तो ये आरएनए के कण जो होते हैं ये इतने सूक्ष्म होते हैं, बहुत ज़्यादा सूक्ष्म होते हैं, लेकिन क्या होते हैं, संक्रामक होते हैं, इन्फेक्चुएबल, यानी कि जो संक्रामक करने वाले योग्य होते हैं, संक्रामक इन्फेक्शन फैलाने वाले होते हैं, इन्फेक्शन को बढ़ाने वाले होते हैं, इस तरीके से वायरस फैलाता है। लेकिन इनकी संरचना वायरस से अलग है, क्योंकि वायरस पर क्या होता है, प्रोटीन का खोल होता है, और साथ के साथ क्या होता है, अनुवांशिक पदार्थ आरएनए या डीएनए होता है। जबकि ये क्या होते हैं, आरएनए के छोटे छोटे कण होते हैं जो क्या करते हैं, जो संक्रामक रोगों को फैलाने का कार्य करते हैं, ठीक है भाई। तो ये था इसमें इन्होंने खोजा था कि इसमें पोटैटो यानी आलू के अंदर एक स्पिंडल ट्यूबर गांठ गांठ बन जाती थी, तो जिसका रोग की सर्च में इन्होंने टीओडाइनर ने इसका पता लगाया था, किसका पता लगाया था, वायराइड का। वायरोइड के आरएनए का आणविक भार क्या होता है, कम होता है, एक बात यानी कि इनका आणविक भार जो होता है वो कम होता है, किसके मुकाबले में, वायरस के मुकाबले में। तो ये थी वायरोइड। वायरोइड भी क्या होते हैं, ये भी बहुत सारे रोगों को फैलाते हैं, ठीक है भाई। तो क्या होते हैं, ओनली आरएनए के कण होते हैं। ये छोटा सा टॉपिक था आपका, लेकिन आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि भाई ये क्या होता है, वायरस की तरह ही संक्रामक होते हैं, लेकिन इनकी संरचना अलग होती है, टी और डाइनर ने इनकी खोज की थी, ठीक है भाई। नेक्स्ट है हमारा लाइकेन। क्या है भाई, लाइकेन, चलते हैं लाइकेन वाले टॉपिक पर। लाइकेन जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये ऐसे जीवधारी होते हैं जिनके अंदर दो जीवधारी क्या करते हैं, सहजीवन जीते हैं, और इतना घनिष्ठ जीवन होता है सहजीवन इनका कि इनको पता भी नहीं, यानी कि कोई जो है अगर जांच करना चाहे तो उसका पता नहीं लगा सकता है कि भाई कौन सा अंश कौन सा है। इसके अंदर जो दो जीवधारी पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं, नंबर एक क्या, कवक, क्या पाया जाता है, कवक। नंबर दो, दूसरा जो होता है वो होता है शैवाल। क्या होता है भाई, वो शैवाल। कवक जो होता है हमारा वो क्या होता है, फंजाई होता है, और दूसरा जो होता है क्या, एल्गी। क्या होता है, एल्गी, ठीक है भाई, ये होता है। तो शैवाल आपने देखी, कवक के बारे में पढ़ा था, कवक जो होते हैं ज्यादातर वो क्या होते हैं, परजीवी होते हैं, परपोषी होते हैं, मृतपोषी होते हैं, यानी कि अपने आप भोजन नहीं बनाते हैं किसी भी कंडीशन में,
क्योंकि इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। तो ये क्या होता है, या तो किसी जीवधारी के ऊपर परजीवी के रूप में रहते हैं, या फिर क्या करते हैं, सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन लेते रहते हैं। ठीक है भाई, तो ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं क्या, ये कवक होते हैं। कवक जो होते हैं वो अपना भोजन नहीं बना सकते हैं, जबकि शैवाल जो होता है इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, और क्लोरोप्लास्ट हो नहीं ये तो भोजन नहीं बनाएगा, जबकि ये भोजन क्या होता है नहीं बनाते हैं। शैवाल के अंदर, शैवाल की कोशिकाओं के अंदर क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, बहुत सारे प्लास्टिड होते हैं जो क्या करते हैं, भोजन का निर्माण करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो वो ये शैवाल क्या करता है, शैवाल जो होता है ये भोजन का निर्माण करता है। तो इसके अंदर दो अंश होते हैं, एक तो होता है कवक का, दूसरा शैवाल का। कवक वाले भाग को कवकांश बोलते हैं और शैवाल वाले भाग को शैवलांश बोलते हैं। ठीक है भाई, तो ये था आपका, ये क्या करता है, तो ये कवक जो होता है, कवक ये सहजीवन रूप से रहते हैं, सहजीवी रूप से, दोनों आपस में सहजीवी रूप से, सहजीवी यानी साझेदारी। देखिए साझेदारी में क्या होता है कि कोई भी काम होता है उसको मिलजुल कर किया जाता है, नफ़ा क्या होता है बांटा जाता है, आधा आधा बांटा जाता है, तो 50-50 बांटा जाता है। तो उसमें देखिए सहजीवन में भी यही होता है इनके बीच में, कि ये दोनों जीवन तो साथ जीते हैं, साथ में मिलकर रहते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे का कार्य करते हैं आता आता, और अपना इनकी लाइफ सिक्योर होती है, नहीं तो एक दूसरे के बिना क्या होगा, ये नहीं रह सकते हैं। ठीक है, कैसे, देखिए आइए दिखाता हूँ मैं। कवक जो होता है वो कवक जमीन से खनिज लवण लेता है, खनिज लवणों को इकट्ठा करता है और पोषक तत्वों को इकट्ठा करता है, और किसको देता है, वो देता है किसको, शैवाल को। शैवाल क्या करता है, शैवाल इनको लेकर के, खनिज लवण को लेकर के, पानी को लेकर के क्या करता है, ये भोजन का निर्माण करता है सूरज की रोशनी में, और भोजन को उपलब्ध कराता है, किसको उपलब्ध कराता है, कवक को। तो ये इसको देता है और ये इसको देता है। ठीक है भाई, ये क्या करता है, ये इसको भोजन प्रदान करता है, क्या प्रदान करता है, भोजन, और ये इसको क्या करता है, खनिज लवण, पानी, खनिज लवण और पानी, तो ये देता है। कवक देगा इसको खनिज लवण, पानी शैवाल को, शैवाल का देगा इसको भोजन प्रदान कराएगा। तो इस तरीके से क्या करेंगे, साझेदारी के रूप में ये जीवित रहते हैं, जीवन जीते हैं। ठीक है भाई, और साथ के साथ एक और बात है इसमें, हाँ ये कह रहा है कि भाई प्रकृति के अंदर अगर आप लाइकेन को देखें तो आपको ये पता लगा नहीं सकते कि भाई कौन सा पार्ट शैवाल है, कौन सा पार्ट इसका क्या है, इन्हीं अनुमान लगाना असंभव होता है कि इसमें दो विभिन्न जीव, ऐसे लगता है जैसे कि एक ही जीवधारी हो। ठीक है, अलग अलग इनका अनुमान लगाना संभव नहीं होता है। आगे क्या, लाइकेन प्रदूषण के बहुत अच्छे संकेतक हैं, प्रदूषित क्षेत्रों में नहीं होते हैं। भाई लाइकेन जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्रदूषण के बहुत अच्छे क्या होते हैं, इंडिकेटर होते हैं। जिस क्षेत्र के अंदर क्या होता है प्रदूषण होता है, पोल्यूशन ज़्यादा होता है, तो उसमें उस क्षेत्र के अंदर ये क्या होते हैं, क्षेत्रों में नहीं पाए जाते हैं जहाँ पर क्या होता है पोल्यूशन, वातावरण ज़्यादा सही होता है। ठीक है, प्रदूषण नहीं होता है तो उस एरिया के अंदर ये क्या होते हैं, उगते हैं। ठीक है भाई, तो ये था आज के, आज आपके दो टॉपिक थे, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, और कुछ बात समझ में नहीं आई हो तो आप मालूम कर सकते हैं मेरे से। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।